अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज है जी मेरे साथ मेरा मोहम्मद हसन। आज हम कहाँ जा रहे हैं तुम बताओ। हेलो गाइस, माय नेम मोहम्मद हसन। आज हम जा रहे हैं स्कूटी पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मा ने अभी तक मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मा ने क्या, बैठो तो चलें। आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम किस काम के लिए निकले हैं। हुसैन और अली ब्लाज को रोता हुआ छोड़ के निकले हैं, और क्योंकि उन्हें मेरी स्कूटी का झूला लेने का बहुत शौक है, इस वजह से जो उनका है बच्चे रोते हुए छोड़ के आई हूँ। और बहुत ज़रूरी काम से सोचा क्यों ना हसन को साथ लेके जाया जाए। और चलिए आपको दिखाते हैं अपना पूरा व्लॉग। तो चलें जी, हम पहुंच चुके हैं अपनी प्यारी सी पर्शियन कैट के लिए, कैट फूड लेने के लिए। यहाँ पर घर के पास एक बहुत ही प्यारी सी शॉप है, यहाँ पर हर एनिमल्स के जौन सी है फूड यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी छोटे छोटे चिक्स और पिजन हैं, वाइट एंड ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत हैं। बच्चों के लिए आप अगर घर पे चाहें तो लेके जा सकते हैं। मैं साइड पे खड़ी हूँ और मेरा मोहम्मद हसन जो उनसे है वो माशाल्लाह व्लॉग बना रहा है। और ये जो बच्चा है इसने ऊपर से कैट फूड उतार दी है। पहले इसका जो रेट था वो था 750, लेकिन आज इन्होंने जो उनसे महंगाई की वजह से 850 रेट लगाया है, मीन्स के 100 रुपीज़ पर केजी के ज़्यादा रेट इन्होंने किया है। खैर, अब अगर आप शौक़ रखते हैं एनिमल्स रखने का तो उनकी फूड्स भी आपको उन्हें खिलानी पड़ेगी, जैसे कि हम खुद महंगाई के दौर में हर चीज़ खा रहे हैं। खैर, कैट फूड हम ले चुके हैं, अब हम जा रहे हैं जी एक और अच्छी सी प्लेस की तरफ। आपको व्यू करवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा व्यू है आपके सामने। ऑरेंज ट्रेन जो सा है वहाँ पर हम पहुँचे हैं, और ये देखें जी कैमल आपके सामने एक पेयर खड़ा है, बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी और अच्छी खासी इनकी हेल्थ है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखे हैं कि हमारे लाहौर में ऐसी जगह में पाए जाते हैं। ये है जी ऑयल शॉप, यहाँ पर ऑयल जौन सा है निकाला जाता है, इस वजह से इनके ज़रिए। वो देखें जी आपको नज़र आ रहा है जी हाजी अकरम ऑयल कोलू, यहाँ पर हमारे यतीम खाना मार्केट है। मैं यहाँ पर आई हूँ जी, यहाँ पर चॉपर जौन सा है वो हमारा ख़राब हो चुका था। ये चॉपर मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर ठीक होने के लिए दिया और वो ठीक हो चुका है। अब मैं ले कर जा रही हूँ चॉपर भी यहाँ से। ये जी चॉपर मुझे मिल चुका है, इसका बिल पे करेंगे और निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि और भी बहुत से काम हैं। और आगे एक आपको बहुत ही प्यारी और एक एंटीक शॉप दिखाने वाली हूँ कि जो बहुत कम लोगों ने देखा और सुना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हसन साहब जो उनसे वो बाहर खड़े थे और मैंने जाके मार्केट में अपना काम किया और मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब हम आ चुके हैं जी जहाँ पर काले चने जो उनसे स्पेशली भुने जाते हैं, वो किस तरह भुनाई करते हैं। तो चलें जी बढ़ते हैं भाईजान की तरफ, की जो इतनी मेहनत करके और इतनी गर्मी में, इतनी हीट में बेचारे जो उनसे हैं अपना पेट भरने के लिए, पालने के लिए अपने बच्चों को मेहनत कर रहे हैं। आपके सामने ये बहुत ही बड़ा सा छाना लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें ये चने भून रहे हैं। पहले इन्होंने रेत में हल्का सा ये देखें ऑयल ऐड किया है, रेत को अच्छा सा ये गर्म कर लेंगे, फुल हीट हो जाएगी रेत। देखें जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा धुआं नज़र आ रहा है। फिर उसमें वो जो साइड पे ब्लैक चने बिल्कुल सादे, उसे चनों को इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हलाया है और इसमें डाल के 1-2 सेकंड के लिए इसे मिक्सी करेंगे और इसे फौरन से निकाल लिया जाएगा। देखिए आपके सामने है इतनी गर्मी कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हम, और वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। और इनका इतना खूबसूरत कलर जौन सा है लाइट येलो सा आ जाएगा, ये देखें जी 1 सेकंड भी नहीं लगा और माशाल्लाह इतने ज़्यादा चने जौन से इन्होंने भून के बाहर उसी स्ट्रेनर में इन्होंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर स्टेन होते हैं, मीन्स कि अगर कोई पत्थर वगैरह कोई और भी हार्ड चीज़ है तो यहाँ पर निकाल ली जाती है। तो मुझे यहाँ से लेना था जी कुछ ड्राई फ्रूट और बच्चों के लिए स्पेशली भुने हुए चने और छोटी मोटी सौगात वो लेंगे यहाँ से। चने का रेट आजकल जौन सा है वो 480, बिल्कुल इतने गर्म चने थे और काफ़ी सॉफ्टी थे। आपको पता है जब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये ड्राई फ्रूट और ये चने जौन से हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, इस वजह से आप भी कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाएँ ताकि बच्चों के जौन से हैं
दिमाग वगैरह ज़रा सेट रहें, ताकि उनकी आई सेट भी काफ़ी आजकल वीक चल रही है। हर घर में बच्चों की मोबाइल से दूर रखें, स्क्रीन से दूर रखें, ताकि माओं को परेशानी ना होनी पड़े। और चलें जी, अली ब्लाच के लिए हम लेंगे बनाना, क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट है और इस वजह से अली का स्पेशली ऑर्डर था कि मम्मा मेरे लिए बनाना ज़रूर ले के आएँ। और अली साहब के अली के लिए हमने ले चुके हैं बनाना। अब हम निकलेंगे जी घर की तरफ। हम आ चुके हैं अपने घर वाले रोड पे। आपके सामने शाम हो चुकी है, हमें कम से कम घंटा डेढ़ लगा है और छोटा सा हमने व्लॉग बनाया, मैंने और मेरे हसन ने बहुत इंजॉय किया, हमारा बहुत अच्छा ट्रैवल गुजरा। अभी हमने कुछ रास्ते से नहीं खाया क्योंकि हम घर से खाना वाना खा के गए थे, इस वजह से बच्चे मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, ख़ास करके स्कूटी पे, कि हम माँ बेटा जो उनसे इंजॉय करते हैं, साथ व्लॉग बनाते हैं, इस वजह से। चलें जी, एंड दी एंड हम पहुंच चुके हैं अपनी गली में और बहुत ही प्यारी सी आपको स्कूटी दिखाने वाले हैं। स्कूटर है ये चलता है पेट्रोल से, ये हसन के दोस्त का है, सारा दिन बच्चे से ले घूमते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हम आ चुके हैं जी घर के पास, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो एंड व्लॉग के साथ।